जय हिंद दोस्तों, सीपीसीटी के वीडियो एंड कंप्यूटर के वीडियो कंटिन्यू डल रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं, घर बैठे कंप्यूटर भी सीख सकते हैं और सीपीसीटी एग्ज़ाम यदि हम घर पे दे रहे हैं, घर से दे रहे हैं, तो उसकी भी हम तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगला वाला जो वीडियो है, हमने 11 पार्ट कम्प्लीट कर चुके हैं, आज हम 12वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करा है, छोटे छोटे वीडियो बनाना स्टार्ट करे हैं। छोटे वीडियो से क्या होता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और आसानी से हम वीडियो भी देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये सभी लाइनों को हटाना है, तो जैसे कि जो रेड लाइन रहती है, कई बार प्रॉब्लम आती है जैसे कि सर रहते, तो इनको क्या करना पड़ता है, आपको इग्नोर करना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से आप इग्नोर करते चले जाइए तो ये पूरी पंक्ति, पूरे सॉफ्टवेयर की लाइन क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। दोस्तों, ये जो लिखा है हमने, ये सही है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा हिंदी नहीं पढ़ता, इंग्लिश पढ़ता है। तो जितनी भी जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, उन सबको हटाने का कार्य आपको इग्नोर से करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये पूरा अब भी कंप्लीट हो जाएगा, वैसे तो ये बड़ा हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। देखिए, ऊपर ठीक हो गया, नीचे अभी भी लाइनें दिख रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला आ रहा है क्वेश्चन, पार्ट नंबर 12 आज कंप्लीट कर रहे हैं, 11 तक हो चुके हैं। जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। एमएस एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्तियों की लंबाई मापी जाती है, तो दोस्तों इंच में, किस में नापी जाती है दोस्तों, इंच में। कॉलम की विड्थ जो होती है वो 8.43 होती है एंड रो की जो हाइट होती है वो 15 होती है, मतलब इस तरीके से, और इस तरीके से जो है 8.43, और ये किसके अंतर्गत आते जाते हैं दोस्तों, टैक्सों के अंतर्गत है, क्योंकि कैलिब्रिया का स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज कितना होता है दोस्तों हमारा, 11, तो इस वजह से उसको 15 आकी गई है। सेसफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है दोस्तों, सेसफल निकालने के लिए हमारा मोड जो फंक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। कैसे, एक्सेल भी स्टार्ट कर लिया हमने, यहां पर देखिए दोस्तों, इक्वल एमओडी शिफ्ट ब्रेकर स्टार्ट, अब यहां पर हम देते हैं 25.3 ब्रैकेट बंद और एंटर, तो इसका एक आएगा दोस्तों, लेकिन इस तीन की जगह यदि मैं 5 दे देता हूं तो 0 आएगा, क्योंकि 25, तो ये जो बचता है लास्ट में, ये हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। जैसे कि ये 5 से 25, 5 से 25, तो 5 तो क्या आ गया दोस्तों, ये आंसर आ गया, और ये 0 क्या आ गया, मोड आ गया, जो बचा हुआ है, जो बचता है वो शेषफल कहलाता है, लेकिन जो राइट साइड में जो आता है वो तो आंसर कहलाता है, जो नीचे नीचे जो कहलाता है वो हमारा। इनक्रिप्टेड एनकोडेड संदेश को खालिस्तान रूप में भी जाना जाता है, सिपर टेक्स के रूप में भी जाना जाता है। सिपर टेक्स क्या होता है, सिपर टेक्स को इनक्रिप्टेड या एनकोडेड जानकारी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मूल प्लेन टेक्स का एक रूप होता है। साइफर टेक्स को पढ़ने, मतलब रीडेबल प्लेन टेक्स में बदलने की प्रक्रिया है, मतलब जो साइफर टेक्स जो होते हैं उनको रीडेबल पढ़ने के लिए प्लेन टेक्स में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कथन सही और गलत होता है, ये विंडोज में डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में को बदला नहीं जा सकता है, गलत दोस्तों। डिफॉल्ट नेम यहाँ पर डॉक्यूमेंट फर्स्ट था, हमने उसको बदल दिया है, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को बदला जा सकता है, यस। एक प्रॉब्लम पासवर्ड में केवल असंख्य या वर्णन होना चाहिए, गलत है दोस्तों, मतलब प्रबल पासवर्ड, जो एक पासवर्ड होता है उसमें अक्षर संख्या वर्ण होने चाहिए, वो पासवर्ड आप कैसे रख सकते हैं, ABHI@1234 इस तरीके से, मतलब अक्षर संख्या वर्ड होने चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं आप, तो दोनों हमारे पास में क्या है, गलत है। फाइल प्रबंधन के संबंध में HP
एफ एस का पूर्ण रूप है हाई परफॉर्मेंस फोल्डर सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम एच पी एफ एस, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, फाइल फोल्डर वही इज ए फाइल सिस्टम क्रिएटेड स्पेसिफिकल फॉर द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम इन इम्प्रूव अपॉन द लिमिटेशन ऑफ द फैट फाइल सिस्टम. अ फैट फाइल एलोकेशन टेबल, ये देखिए नीचे दोस्तों उसका ही क्वेश्चन आ चुका है. बेसिक फैट फाइल सिस्टम में एक फाइल या डायरेक्टरी का नाम एक्सटेंशन खालिस्तान वर्ड तक हो सकता है, तो वो तीन शब्द तक हो सकता है दोस्तों. कितने शब्द तक? फैट एफ ए टी फाइल एलोकेशन टेबल एंड एन टी एफ एस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. तो इसका क्या होगा? डॉट एफ ए टी फाइल एलोकेशन टेबल, तो कितने वर्ड तक हो सकता है? तो दोस्तों तीन वर्ड तक हमारा वो हो सकता है. बेसिक फैट फाइल सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष वर्ड एक फाइल डायरेक्टरी नाम से उपयोग किया जाता है? तो एंड, ये क्या कहलाता है दोस्तों? हमारे जो शब्द होता है या डायरेक्टरी होता है उसके बीच में, जैसे कि हम लिखते हैं अभी एंड सन्स या अर्थ एंड मैटिक सन्स ग्रुप, तो ये इस तरीके से वर्ड को जोड़ने का भी काम करता है. डायरेक्टरी के नाम उपयोग किया जाता है उसको एंड इसको अपर सेंट भी बोला जाता है. निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड का उपयोग एक से अधिक फाइलों या संपूर्ण डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए किया जाता है? एक्स कॉपी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक या अधिक फाइलों या फोल्डरों को कॉपी करने के लिए किया जाता है एक्स कॉपी का उपयोग. निम्नलिखित को मिलाइए सूची जिप. जिप क्या होता है दोस्तों? आर्काइव फाइल या आर्चिव जो फाइल होती है वो कहलाती है. पीडीएफ क्या है दोस्तों? पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. एफ ए टी फाइल सिस्टम, AFAT एक क्या है? फाइल सिस्टम है दोस्तों. मतलब जिप फाइल आर्काइव है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है और AFAT हमारी फाइल सिस्टम है. निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित में से कथन सही या गलत है. एक फाइल का तीन बार से अधिक कॉपी नहीं किया जा सकता. एक फाइल को तीन बार से अधिक कॉपी नहीं किया जा सकता, फाइल को. सही है दोस्तों. कॉपी और मूव कमांड का उपयोग एकांतर रूप से किया है क्योंकि वे वर्तमान कार्य करते हैं. गलत है. कॉपी और मूव कमांड का उपयोग एकांतर इंटरचेंजेबल रूप से किया जा सकता है क्योंकि ये वे वर्तमान कार्य करते हैं. गलत है. निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड का एक वैध एप्लीकेशन नहीं है? कंप्यूटर एडिट डिजाइन का निर्माण कंप्यूटर एडिट डिजाइन का उपयोग करने के लिए, मतलब जो बड़ी बड़ी ग्राफिक डिजाइन होती है, ग्राफिक मतलब जो ब्लैक और व्हाइट में, मतलब बड़े बड़े पेजों में ऑटोकैड वगैरह हो गया, इसकी जो फाइलें होती हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग की जो फाइलें होती हैं वो बनाने का काम करता है, तो वो एक वर्ड एमएस वर्ड का एप्लीकेशन नहीं है. एमएस वर्ड निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि वाइंडिंग टेक्स्ट को अपस्ट नहीं करता, ऑब्जर्व नहीं करता. ये थोड़ा सा चेंजेस हो गया है. मतलब गटर मार्जिन, ये क्या कहलाती है दोस्तों? जब वाइंडिंग हम करते हैं तो उसके बाद जो और जगह छोड़ी जाती है उसको क्या कहते हैं हम? गटर मार्जिन. वो कहाँ से आती? पेज लेआउट पे जाइए, आप मार्जिन पे जाइए,
और यहां से आप कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, तो कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद में आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से एक और एक्स्ट्रा मार्जिन खुलती है, तो वो हमारी गटर मार्जिन कहलाती है। दोस्तों क्या होता है, और गटर मार्जिन कहां पर है, लेफ्ट में और टॉप में, मतलब ये वाले स्थान पर, क्योंकि इधर से बाइंडिंग होती है या तो लेफ्ट से बाइंडिंग होती है। कभी आपने बुक को दोस्तों राइट से मार्जिन नहीं देखा है, तो ये क्या हो गई हमारी गटर मार्जिन। गटर मार्जिन, गटर मार्जिन अतिरिक्त मार्जिन को साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या किसी दस्तावेज के मार्जिन के अंदर अंदर जोड़ता है, जिसे आप बांधने की योजना बनाते हैं, मतलब बाइंडिंग करने का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित रूप से उस शब्द को अगली पंक्ति में शुरुआत में ले जाता है जो लाइन पर फिट होने के लिए, और रहते हैं वर्ड रेप। वर्ड रेप क्या करता है दोस्तों, एक्सेल पे जाइए आप, जैसे कि आपने ए बी एच आई जी वाई ए एन ए एम सी ई, ये वर्ड यहाँ पर जाएंगे आप, ये वर्ड रेप है दोस्तों, तो ये अगली वाली में उसको कंप्लीट होने के बाद में रो को बढ़ा देता है लेकिन कॉलम को फिक्स रखता, तो क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ड रेप। पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने का कार्य हमारा क्या करता है, ड्रॉप कैप। तो आप इंसर्ट पे जाइए दोस्तों, ये रहा ड्रॉप कैप, ये देखिए इस तरीके से पैराग्राफ के की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने के लिए निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में हम वर्ड रेप ड्रॉप कैप को उपयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो में बीच में मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप गलत है बोलें, लेकिन उसका जो गलती है उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर डाल दें, ताकि दूसरे लोग उसको गलत ना पढ़ पाए। निम्नलिखित को सूची बनाई, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने का काम करती है, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने का काम करती है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने का काम करती है। दोस्तों ये हमारा नीचे लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन है, जिसमें पूरा कंप्लीट है ऑल शॉर्टकट की का वीडियो, दोस्तों वो जरूर से जरूर देखें, वो आपके सारे सॉफ्टवेयर में काम आने वाला है। निम्नलिखित में एक्सेल में एक वर्कबुक कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए, दोस्तों एक तो वर्कशीट होनी चाहिए, मतलब एक नहीं रहेगी तो ये पूरा खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कैसे दोस्तों, ऐसे ये देखिए एक्सेल है जरूर लेकिन कोई काम का नहीं है, तो यहां से एक ना एक तो खाली होना चाहिए दोस्तों। एमएस एक्सेल बटन में वर्कशीट में डिफॉल्ट ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट है, तो वो कहाँ है दोस्तों, टॉप में, ये आपका क्या है पूरा लेफ्ट में बॉटम में, ये आपका प्रीव्यू बटन है दोस्तों, मतलब जो स्क्रॉलर होता है लेफ्ट राइट करने के लिए, ये हमारा कौन सा बटन है, ये बटन हमारे काम में आता है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, यहां पर वर्टिकली अलाइनमेंट बॉटम में है, बॉटम के अंदर, बाकी टेक्स्ट का डिफॉल्ट ऊर्ध्वाधर रेखाकरण बॉटम में है। आप एक्सेल के पेज बॉर्डर कहां से सेट करते हैं, क्योंकि पेज बॉर्डर के अंदर, एक्सेल के अंदर पेज बॉर्डर नहीं होता है, यू कैन नॉट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। यदि 1 से 100 तक सभी संख्या लाल रंग में प्रदर्शित करनी है तो वो दोस्तों कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर से आप कर सकते हैं। मैं कुछ कमी लिख के बता देता हूं आपको, दोस्तों मैं से गिनती लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इन्हीं को दिखा देता हूं। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जाइए और ग्रेटर देन कर दीजिए, यहां से 0 और यहां से रेड बॉर्डर। ये देखिए दोस्तों टेक्स्ट जितने भी शब्द थे वो सारे क्या हो गए, रेड हो गए हमारे। यहां से हम उसको कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में चयनित सेल सीमा के निचले दाएं कोने में एक छोटे काले रंग का वर्ग किस रूप में जाना जाता है, तो फिट हेल्डर के इन एक्सल फिल हेल्डर हैंडल के रूप में जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों ये हमने इसके अंदर बना रखा है। इसका काम क्या है दोस्तों, कि आपने यहां तक कुछ दिया है और उसको नीचे तक फिल करना है, तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, नीचे तक पूरा फिल हो जाएगा। ये इसको पकड़ के भी आप नीचे करेंगे तो फिल ड्रॉप आपका ये बढ़ते चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों
ये 100 तक पूरी आपने गिनती काउंट कर ली है। निम्नलिखित में से एक्सेल की कौन सी विशेषताएं संख्याओं के योग को तीव्र से ज्ञात करने के लिए प्रदान करती है? ऑटोसम। ऑटोसम क्या करते हैं दोस्तों, ऑटोसम क्या करते हैं कि ऑटोसम हमारे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन निकालने का काम करते हैं। कैसे दोस्तों, आप यहां पर नीचे क्लिक करिए और इस पर क्लिक करके इंटर कर दीजिए। ये ऑटोसम ने आपका क्या करा, आंसर डायरेक्टली निकाल कर दे दिया है। एक्सेल के एक एक्सेल व्यंजक इक्वल 28 डिवाइड 7 माइनस 2, ये 2 को 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। ये पावर कहलाती है, घात कहलाती है, जिसको आप 2 × 2 × 2 से उसका मान क्या होगा तो -4 होगा। मतलब ये बोल रहा है दोस्तों 28 डिवाइड बाय 4, एक संख्या ये बोल रहा है वो 2 और 2, तो यहाँ पर इक्वल टू आप 28 प्रेस करेंगे, 28 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आएगा, वो सॉरी इक्वल 28 डिवाइड बाय 7 इंटू यहाँ पर माइनस है, -2 × 2 × 2, तो क्या आएगा हमारा दोस्तों -4। आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, आसानी से आ जाएगा। 7 × 28 और 2 × 4 = 8 और -8 है और -4 है, तो -, ये माइनस, ये 7 × 28, ये 8 तो कंप्लीट है 4, और ये -8 है। जब बड़ी संख्या से छोटा प्लस माइनस होगा तो -4 आ जाएगा। एमएस एक्सेल के एक सेल में व्यंजक इक्वल 8A है तो उसका मान क्या होगा, तो नेम होगा दोस्तों, यहां पर उसकी हमने त्रुटि दिखा निकाल रखी है। स्कोर कंप्लीट कर लेते हैं फिर सारी त्रुटियों को देखते हैं। मान लीजिए सेल A2, A3 और A4 क्रम से 12, 13, 20 और 14 लिखा है, तो एक्सेल व्यंजक काउंट में मान होगा 3, क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ संख्याओं को मान करेगा। जैसे कि ये बोल रहा है कि यहां पर लिखा 1, 2 और यहां पर ए लिखा है और यहां पर 3 लिखा, तो जितनी संख्या इक्वल COUNT (SHIFT)STUD टोटल सेलेक्ट, तो जितने लिखे हुए केवल 3 को काउंट करेगा। मैं यहां पर कोई भी संख्या यदि चेंज करता हूं तो 4 हो जाएगा दोस्तों। त्रुटि मान डिवाइड दर्शाता है विभाजन ऑपरेशन का भाजक को संदर्भित करता है जिसमें 0 रिक्त है। अब देखते हैं त्रुटि और मान। DIV/0 division by 0 मतलब शून्य से विभाजन करना है, तो ये त्रुटि आएगी। NA कोई मान वैल्यू उपलब्ध अवेलेबल नहीं है, तो कौन सा दोस्तों रहेगा, हैस नॉट अवेलेबल। नेम एक्सेल का मान नाम सही पहचान नहीं है, मतलब इसका जो पहचान नाम की पहचान है वो सही नहीं है, तो क्या दिखाएगा दोस्तों, एक्सेल में नाम की पहचान सही नहीं होगी तो वो नेम की वैल्यू दिखाएगा नील। नील त्रुटि मान तब होता है जब 2 या 2 से अधिक सेल संदर्भों के एक सूत्र में गलत तरीके से या अनजाने में अलग तरीके से किया गया कार्य नील कहलाता है, मतलब कोई भी वैल्यू है त्रुटि या मान नहीं होगा। नम सूत्र फॉर्मूले में एक संख्या नंबर के साथ समस्या मतलब प्रॉब्लम आती है तो नंबर लॉग दिखाता है। रेफरेंस क्या होता है, अब क्या होता है, सामान्य सेल संदर्भ, मतलब इनवैलिड सेल रेफरेंस जब होता है तो सेल रेफरेंस इरर हमको दिखाता है। वैल्यू इरर किसी फंक्शन में गलत रॉन्ग प्रकार मतलब आर्गुमेंट गलत तरीके से ऑपरेशन करना क्या कहलाता है, हमारा वैल्यू इरर कहलाती है। तो यहाँ पर इतनी सारी एरर आती हैं, एरर के बारे में भी हमने दिखा रखा है, तो ये आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट हम प्राय काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं, इसको आप यूज़ करके देखेंगे। जैसे जैसे हम एक्सेल चलते जा रहे हैं, आप इससे पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने यूज़ करके दिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।